in the year I got passed out in 2015, मैंने अपनी first attempt दी थी, so मेरा prelims clear हुआ, then I went towards the mains, and mains में मेरा थोड़े marks से रह गया था, तो हम work करते रहेंगे, आप उठेंगे, आपको motivation खुद आएगी, कि नहीं मुझे करना है, and वही मैंने एक express करा था tweet, but it got countrywide famous, and people acknowledge my hard work, my persistence, my patience, they encourage me, my messages. If Sachin sir tennis खेलेंगे तो they'll not be able to achieve the level जो उन्होंने cricket में achieve करा है. So you have, and usually क्या होता है जब आप fail हो जाते हैं इस process में कोई दो attempts या तीन attempts या छह attempts आपको लगेगा कि यार I'm not worth. A motivated believe in your own self. All the around surroundings can't affect you if you have internal belief. Hello everyone, this is Rajat Sambyal. As you might be knowing that my one of my tweet got famous from the country and everyone gave me the support, the love that for my tweet in which I have said that and still I rise though my 10 years have ended in ashes. What I would like to tell in this video that what was the rationale behind speaking that and still I rise. So what was the thing and how the one person can keep themselves motivated. आप अपने आप को motivated कैसे रखिए. And अगर आपका ये प्रोसेस यूपीएससी का खत्म होता है तो उसके बाद द ट्रांजिशंस वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या क्या ट्रांजिशन हो सकती है एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क बिल्ड अपॉन इट इन माई ओन एरिना. इफ आई विल टॉक अबाउट माई स्कूलिंग, मैंने एमएचएससी नागनी स्कूल से मेरी स्कूलिंग रही जम्मू से एंड उसके बाद आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम 12th आई वेंट आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़. उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था मेरे कुछ दोस्त बने जो ऑलरेडी यूपीएससी प्रोसेस से रिलेटेड पढ़ रहे थे तो मुझे भी नया नया पढ़ने का शौक उनके साथ लगा. हम यूज टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू थ्योरीज एंड न्यू स्टफ. सो हमेशा अच्छा लगता था कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी से रिलेटेड देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में जान रहे हैं कि कैसे हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, कैसे कंट्री के अंदर चीजें चलती हैं, तो हमेशा अच्छा लगता था और पढ़ने में मजा आने लग गया. तो जब इंजीनियरिंग खत्म करी तो उसमें भी काफी बिल्ड हो चुका था. तो एट द इन द ईयर आई गॉट पास आउट इन 2015 मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, सो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, देन आई वेंट टुवर्ड्स द मेंस एंड मेंस भी मेरा थोड़ा मार्क्स से रह गया था. दो माय ऑप्शन वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम, पीएसआईआर वाज माय ऑप्शनल एट दैट टाइम. तो आई फाउंड की टू डू एनीथिंग, नोबडी कैन डीमीन यू. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोसेस में कर सकते हैं, आप इंप्रूव करके कोई जॉब कर सकते हैं, आप पा सकते हैं, तो आप हमेशा वर्क करते रहेंगे, आप उठेंगे, आपको मोटिवेशन खुद आएगी कि नहीं मुझे करना है, हैव टू डू इट. तो आप इस लाइकवाइज मेरा प्रोसेस था. आप कुछ और भी एरिनाज में बोलूंगा देख सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन आपके स्टेट सर्विस हो गया या कोई सीएपीएफ एग्जाम हो गया या इफ यू वांट टू गो टू आर्मी टीजीसी एंट्रीज होगी, तो आप उन एरिनाज को भी देख सकते हैं साथ साथ एंड वो भी आपको मोटिवेट करेंगे, उसमें भी आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे. योर पर्सनैलिटी विल बिल्ड इफ यू विल गो इनटू इंटरव्यू एंड अब हम इंटरव्यू देंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी. मैंने 2018 में एक इंटरव्यू दिया था सीएपीएफ का, उसमें मेरा अराउंड 6 to 7 मार्क्स मेरा उसमें भी रह गया था. तो एंड बट दैट वॉज एक्सपीरियंस, मैंने यूपीएससी का सेम पैनलिस्ट मेरा मनोज सोनी सर बोर्ड सर का बोर्ड था तब, तो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला था. तो आई वुड से कि आप भी एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं. उसके बाद मेरा ऐसा प्रोसेस रहा कि सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट में, फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा मेंस आउट हुआ एंड मेरे एसए में काफी कम मार्क्स आए थे, अराउंड 87 आए थे. तो वहां पे मेरे को पता था कि एक एरिना है जहां पे मैं इंप्रूव करके मेंस क्लियर कर सकता हूँ, तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट दी. सो मैंने वो एरिनाज में इंप्रूव करा, इंप्रूव अराउंड 25 मार्क्स इन माई एसए, आई इंप्रूव्ड अराउंड 55 मार्क्स इन माई ऑप्शनल एंड दिस टाइम आई हैव गॉट ऑल इंडिया हाईएस्ट इन एंथ्रोपोलॉजी. सो ऐसा रहा कि बट इंटरव्यू में कम आए तो आज कम बाय 11 मार्क्स एंड वही मैंने एक एक्सप्रेस करा था ट्वीट, बट इट गॉट कंट्री वाइड फेमस एंड पीपल एक्नॉलेज माय हार्ड वर्क, माय परसिस्टेंस, माय पेशेंस, दे एनकरेज मी, माय मैसेजेस एंड ऑल, एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा. उससे मैं आई फील मोटिवेटेड. सो आई ऑलवेज थॉट कि सो मच लव हैज बीन गिवन बाय द कंट्री, इट्स माय टर्न टू रिटर्न व्हाट आई कैन इन माय ओन लेवल. तो फर्स्टली मैंने उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा बाय 2-3 ट्विटर स्पेसेस. आई एक्सप्लेन कि कैसे आप प्रीलिम्स में इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंस में कर सकते हैं, अपने ऑप्शनल में मेरे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन था या आई डिड वन विद माय पार्थ गुप्ता सर एंड उसमें मैंने हिस्ट्री ऑप्शन की उन्होंने बात की. सो उन्होंने प्रोसेस को बताया कि कैसे ये सिलेबस है, कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए एंड देन उसके बाद आप कैसे इम्प्रूव कोड कर सकते हैं अपने जो भी हम पे भी आपको प्लग करने की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड वो हो गया. दैट वॉज रिलेटेड टू दिस प्रोसेस. बट आई थिंक कि देर आर मैनी पीपल हु हैव ट्राइड एंड ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ सीट्स, ड्यू टू देयर ओन कंस्ट्रेंट्स या दे हैव टैलेंट इन समथिंग एल्स एंड दे आर बीन पुशिंग देमसेल्फ इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है,
इफ सचिन सर टेनिस खेलेंगे तो देर नॉट बी एबल टू अचीव द लेवल जो उन्होंने क्रिकेट में अचीव करा है. सो यू हैव टू फाइंड योर इननेट टैलेंट कि आप में क्या बेस्ट है एंड आप उसके अकॉर्डिंग उस टैलेंट को एक्सप्लोर करिए, उसमें डेप्थ में जाइए, आप उसमें बेस्ट कर सकते हैं. तो दिस इज माई वे. एंड यूजली क्या होता है जब आप फेल हो जाते हैं इस प्रोसेस में कोई दो अटेम्प्ट्स या तीन अटेम्प्ट्स या छह अटेम्प्ट्स, आपको लगेगा कि यार आई एम नॉट वर्थ. ठीक है, आप अपना यूथ का टाइम भी खराब कर चुके होंगे, आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी एंड आपको लगेगा मेरी आगे भी लाइफ अब नहीं चल पाएगी. तो माई थिंग इज फॉर दोज पीपल कि ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव ऑलवेज गेन इन द प्रोसेस. आपने आपको नॉलेज गेन हुई है, आपको एक्सपीरियंसिस गेन हुए हैं, आपको बाउंस बैक करने की टेक्निक पता है. तो यू कैन डू एक्सेप्शनली वेल अगर आपको ये, बस आपको यू हैव टू चैनलाइज योर ओन सेल्फ इन अदर वे. तो stay motivated, believe in your own self. All the around surroundings can't affect you if you have internal belief. तो आपको internally वो belief develop करना है, उसकी techniques आप कर सकते हैं, कोई books पढ़िए, running करिए, अपनी personality को groom करिए, जो arenas आपको लग रहा है कि नहीं मैं groom नहीं कर पा रहा हूँ उसको improve करिए. तो इस तरीके से आप अपने आप को motivate रखिए. Talk to the people who are good, who are मतलब कि mentally very positive and who don't demean you. तो आपको अपना positive mindset रखना पड़ेगा. And उसके बाद if I talk about a transition जो मैंने अपने Twitter space पर भी I'm trying to build upon, कि हम उन लोगों को देखिए जो यूपीएससी में थे या आई एम राइट नाउ फोकसिंग ऑन यूपीएससी, और भी होंगे कोई और एग्जाम्स में नहीं हुए, एंड देन दे आर वर्किंग गुड इन फिटनेस इंडस्ट्री, दे आर वर्किंग गुड इन एमबीएस, दे आर वर्किंग गुड इन पब्लिक पॉलिसी, दे आर डूइंग गुड इन नीति आयोग, दे आर डूइंग गुड इन पॉलिटिक्स, दे आर डूइंग गुड इन लॉ. ठीक है, सो देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग द economic angle also and social angle also, and they might be doing better service to the nation and to the country and to their society than a civil servant. So we need not over glorify civil services ki sirf civil services se hi main is country mein kuch kar sakta hu ya main logon ke liye kuch kar sakta hu ya main apne liye bhi kuch kar sakta hu, meri apni personality sirf civil services mein groom ho sakti hai, aisa kuch nahi hai. Aaj ki date mein so much exposure is there, globalization has taken place, digital media is there, so there are a number of ways jisme aap apni personality ko excel karwa sakte hain. So usme work kariye, find out your own talent, उस पर पूरा इन हो के उसको पूरा ग्रूम करिए, उसको उसको एक्सप्लोर करके लोगों तक लाइए. उससे यू कैन हेल्प द मासेस अराउंड, दैट्स टू गुड. अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी निकाल पा रहे हैं वो निकालिए. सो बिलीव इन योर ओन सेल्फ, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, नेवर फील कि ये प्रोसेस में आपने कुछ बहुत कुछ खो दिया, आपने हमेशा गेन ही किया है. एंड इस प्रोसेस में आने से पहले सोच के आइए व्हाई यू आर कमिंग इन एंड व्हाई डू यू वांट टू डू इट. ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच.